तूतुकुड़ी 198 किलोमीटर, तिरुचेंदूर 233 किलोमीटर, कन्याकुमारी 323 किलोमीटर। लो ना सर 50 ये देखो क्राउड, देखो कितना क्राउड है, बाप रे। इसका डी फिश फ्राई सब फिश का ही मिला क्योंकि इधर फिश फेमस है। यहाँ पर अपना महाराष्ट्र वाले वो जन मिल गए, बोरीवली पुणे विनी से सब बीच है। ये देखो धनुषकोटी का एंड रोड पे बीच है, सब नहा रहे इधर। देखो यहाँ पर ही लास्टेस्ट रोड है, जो सर्कल है इसके आगे नहीं है, बस यहाँ से यू टर्न मारो और चलते रहो। சார் வேணாம் சார், அப்படி பண்ணாதீங்க சார். सो गाइस निकलते, सो मुझे तो यहाँ से निकलने का मन भी नहीं कर रहा, बट क्या करें, अपन को भी धनुषकोड़ी भी जाना है। सो आते टाइम से तो थोड़ा बहुत फोटोज वीडियोज निकाल लेते, मेमोरी से यार, लाइफ एक ही लाइफ है, एंजॉय करो, एंजॉय ये सब जगह पे कब आने मिलेगा ऐसा बाइक लेके। सही है, फाइनली पामन प्रेस में आके ब्लॉग बना दिया, गाड़ी को लेके आ गया, मज़ा आ गया, फेल कर लिया, सब कुछ कर लिया, बहुत एंजॉय किया, बहुत बोले तो बहुत। अभी धनुषकोड़ी पता नहीं कैसा, मैं देखा नहीं कभी, सिर्फ फोटो में देखा हूँ, बट ऐसा रहेगा जब भी फोटो में दिखते वो ऐसा रहता नहीं है, सामने आके देखते तो कुछ अलग ही रहता। सो जाके देखते कैसा धनुषकोड़ी। धनुषकोड़ी अपने इंडिया के लास्ट रोड है, उसके आगे कोई रोड ही नहीं है, लास्ट बोले तो लास्ट रोड। बोले तीनों साइड पूरा समुंदर है, आजू बाजू में और आगे पूरा समुंदर रहेगा और बीच में रोड रहेगा, एंडलेस लैंड ऐसा कुछ बोलते हैं। सो चलो चलो चलो, रामेश्वरम मंदिर भी है करके बोल रहे हैं, बट मंदिर में कुछ नहीं दिख रहा है, गूगल मार के देखने दिख जाएगा, बट मेरे को आज ही घर पे वन डे रिटर्न जाना है। सो फिर से मेरे को 6 आवर्स ट्रैवल करके जाने का यहाँ धनुषकोड़ी के बाद। सो जल्दी धनुषकोड़ी देखेंगे, अभी टाइम हो रहा है 11:30, तो आते आते धनुषकोड़ी तो 12 तो बच जाएगा। तो चलो फिर देखते, बने रहो। தமிழ்தான் விவேக் நாடர், விஐவிஇகே நாடர், NADR. ஆன்லைன் பயணம் சார், எவ்வளோ 400? இந்த வண்டி லேட் அப்படி ஸ்ட்ரிக்ட் படுத்துட்டாவே நாங்கள் பார்த்துருவோம். ஓகே சார், இங்கே ஃபோர் வேலை இழுத்து போய்க்கலாம் சரிங்களா? ஆ இங்கே ரொம்ப ஸ்லோவாக, ஓகே சார், சரி சார், தேங்க்யூ சார். ஆ 400 ரூபாய் ஃபட்கா, ஃபைன், ஓவர் ஸ்பீட் கிலே, फिर भी गलती अपना था। वो टर्निंग पे मुझे इतना एग्जैक्ट पता नहीं था कितना स्पीड पे आने का, वो मेरा नॉर्मली मैं 40-50 में तो टर्निंग आ रही हूँ, हाईवे टर्निंग था आई आर। सो अपन को पूरा गांव के अंदर से जाना होगा, देखो कैसा पूरा गांव है, गांव के अंदर से रोड है, उसके बाद कुछ रोड कनेक्ट हो रहा है आगे से। ये पूरा देखो ना, फुल ऑफ रोड जैसा, ये पूरा गाँव के अंदर से यहाँ से एक रोड कनेक्ट हो रहा है,
301 रोड है नीचे। याका रोड देखो, याका रोड है एकदम स्मूथ और मस्त रोड बना हुआ है, यहाँ से एकदम क्लीन रोड बना हुआ है। यहाँ से और 15 किलोमीटर है सिर्फ, बल्कि छोटा मोटा नहीं, धनुषकोड़ी से इंडिया के लास्ट रोड है, मतलब एंड रोड है, इसके बाद रोड नहीं है इंडिया के। सो इसीलिए बहुत टूरिस्ट लोग बहुत जन आते हैं, ट्रैवलर्स लोग बहुत जन आके देखने के लिए आते हैं। सो इसलिए इतना अच्छा रोड वगैरह सब फैसिलिटी वगैरह किया हुआ है, आई थिंक सो, बट मुझे इतना कन्फर्म नहीं पता है। स्ट्रेट ही रोड है, 14 किलोमीटर है यहाँ से स्ट्रेट एंड अपना जो डेस्टिनेशन है वो आ जाएगा, एंड ऊपर से अपन को जो व्यू देखने का वो भी दिखेगा। सो बने रहो, चलो जाके देखते। सो अपने एग्जैक्ट लेफ्ट एंड राइट साइड बीच है, धनुषकोड़ी बीच। सो अपन को बीच पे रुकने के लिए टाइम नहीं है, आपको सीधा पॉइंट पे जाते हैं अपना एंड पॉइंट पे, एंड आपको चाहिए तो समुंदर दिखेगा। यहाँ से लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ज़रा, अरे देखो लेफ्ट साइड में समुंदर है पूरा, राइट साइड में भी है बट राइट साइड में क्लियर दिख रहा नहीं है। तो आगे आते आते पूरा ओपन आएगा, पूरा ओपन दिखेगा। कुछ तो 1989 में यहाँ पर सुनामी आया था। देखो अपने एकदम दोनों साइड से समुंदर है, अभी क्लियरली दिखता होगा समुंदर, दोनों साइड में एकदम नीला नीला समुंदर है। पर भी गांव जैसा है, बस स्टॉप, बस डिपो सब कुछ है। सो हम लोग अभी इसके बाहर ही है, धनुषकोड़ी के मतलब बाहर एंटर भी नहीं आया। इधर पूरा आपको शॉप ही शॉप दिखेगा, पूरा शॉप है इधर, मिच्छी विच्छी का सब शॉप दिखेगा, खाने पीने का, अंडे इधर सब क्या बोलते हैं, संग से बना हुआ पूरा सब चीज़ मिलेगा आपको। एंड यहाँ पर लिखा है सामने बोर्ड है, तूतुकुड़ी 198 किलोमीटर, तिरुचेंदूर 233 किलोमीटर, कन्याकुमारी 323 किलोमीटर। सो अच्छा, सो यहाँ पर एक व्यू है जाने के लिए अंदर समुंदर पे, टाइम नहीं है बट अपने पास, अपन निकलते जल्दी फटाफट, जूस पीने के लिए रुके, जूस पी के फटक से निकलते। चलो फिर यहाँ पर पूरा फॉरेनर से लेके सब आए, क्योंकि जैसा इंडिया के हैंड रोड है तो सब है, एंड इसको तुरई मुगम बोलते हैं। यहाँ पर ऊपर से पूरा व्यू दिखता है, उनको नहीं देखने मिलेगा। और मैंने देखा भी, फॉरेनर्स भी गए थे बाइक लेके, केरला का बाइक बुलेट लेके गए थे। तुमने बोला लोग किधर से बाइक लेके आ गए, बाद में मालूम पड़ा अच्छा भाड़े पे लिए लोग बाइक। Finally, we are reached. दिखता होएगा किधर है? हाँ, सामने सर्कल दिखा मेरे को। देखो क्राउड, देखो कितना क्राउड है, बाप रे। और शॉप्स देखो, छोटा छोटा शॉप्स कितना लगा है। ओहो, सब कंट्री से आया लग रहा है। फाइनली रिचेड द इंडिया लास्टेस्ट रोड। ओके, ये जो सर्कल दिख रहा है यही है यहाँ से राउंड, इसके आगे रोड नहीं है इंडिया के। एंड जो उधर दिखेगा आपको श्रीलंका, किधर है श्रीलंका, उधर है। सो फाइनली वी आर रिचेड द इंडिया लास्टेस्ट रोड। ये देखो यहाँ पर ही लास्टेस्ट रोड है, जो सर्कल है इसके आगे नहीं है, बस यहाँ से यू टर्न मारो और चलते रहो, बस यही लास्ट रोड है। इसके आगे आपको दिखेगा श्रीलंका, इसके आगे यहाँ पर फोटो निकालेंगे अपन भी, क्योंकि ये एंड रोड है, यही है, यहाँ से यू टर्न है। तो अपना FZB खड़ा है इधर सामने, एंड यहाँ का व्यू देखो ज़रा, सो यहाँ पर अपना महाराष्ट्र वाले वो जन मिल गए, बोरीवली पुणे विने से सब महाराष्ट्र के ही है। हाँ सही है, वो तो अपना वीडियो पहले आ गया है। सो ये महाराष्ट्र सब
अपना महाराष्ट्र के वाले सब है इधर। सो धनुषकोडी तमिलनाडु में पूरा महाराष्ट्र भरे हुए एंड ये जगह है इसका मेन। सो अपना एफजेड उसके सामने खड़ा है धनुषकोडी में। सभी अपन इसके ऊपर मैं बताता हूँ इसके बारे में। सो चलो अभी पूरा समुद्र है, समुद्र ही समुद्र, नीला नीला एकदम नीला नीला भरा हुआ। सो एक ड्रीम फुल हो गया। सर लॉन्ग ड्राइव वन लॉन्ग ट्रिप कभी नहीं बोल सकते लाइफ को। इतना तो लेके अभी इसके रिटर्न के लेके जाने का तमिलनाडु टू मुंबई। सो बने रहो एंड अभी जाते जाते और बहुत कुछ देखने का है। सो चलो अभी इधर का भी खाने पीने का जो भी है सब कुछ आपको बताता हूँ। सो चलो बने रहो। सो गाइस यहाँ पर बहुत कुछ है, मतलब बीच देखो बाजू में बीच है, सब नहाने भी निकले गए। एंड यहाँ पर खाने के लिए ना ज़्यादा फूड वगैरह आपको अवेलेबल मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको बाहर जाएंगे तो आपको फिश मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, फिश कड़ी, फिश फ्राई, वैसा फिश का ही मिलेगा क्योंकि इधर फिश ही फेमस है। तो फिश ही मिलता है इधर। एंड आपको नॉर्मली छोटा मोटा खाना रहेगा तो आपको फ्रूट वगैरह इधर मिलेगा। सो वॉशरूम वगैरह सब अवेलेबल है इधर। बहुत पसंद आया जगह और मेरे को अभी रुकने के लिए टाइम नहीं है। सो जितना आएगा उतना एक्सप्लोर करता हूँ। एंड अपने ये बीच है, ये देखो धनुषकोडी का एंड रोड पे बीच है, सब नहा रहे इधर, नहा सकते एकदम अच्छा है। मेरे को भी नहाने का मन कर रहा है बट क्या करें, अपन को भी निकलना है। अभी अपन को अगर 6 घंटा ट्रैवल करने का, अभी फिर से जाने का तो अंधेरा हो जाएगा। तो अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहा है तो हो जाएगा, लेट हो जाएगा। सो देखो धूप भी कितना और उसके ऊपर से ये 5 किलो का जैकेट पहन के घूम रहा हूँ। सो क्या करें अभी। सब्सक्राइबर भी मिले मेरे को इधर देन। चलो फिर थोड़ा फ्रूट्स वगैरह खा लेता हूँ। सो मिलता हूँ। हो गया कंप्लीट आज का व्लॉग एंड आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया रहेगा। एंड कितना स्ट्रगल करके धनुषकोडी हम लोग ने राइड करके एफसीजे। सो 170 किलोमीटर फिर भी बहुत हालत ख़राब हो गया था, मैं अकेला चला था। फिर अभी यात्रा में भी जाने का है, सभी इसका व्लॉग बना हो जाना बना वही सोच रहा हूँ। नहीं बनाएंगे जाने तो, अभी तो बहुत आना जाना तो वही है। सो तो मेरे को भी ड्रीम था बट मेरा ड्रीम भी फुलफुल हो गया। सो पसंद आया तो लाइक कर दो एंड शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स लोग को। और आना रहेगा था और यहाँ का बहुत अच्छा अच्छा देखने का बहुत कुछ है तमिलनाडु में। सो कमेंट कर दो एंड साथ में बेल आइकन को भी उड़ा दो एंड अपने चैनल में न्यू रहेगा तो सब्सक्राइब करके जाओ। सो मिलते और एक न्यू ब्लॉग के साथ। सो आज का ब्लॉग यहाँ पर समाप्त करता हूँ। सो एज ऑलवेज नंदी धन्यवाद खुदा हाफिज, थैंक यू टाटा बाय, टेक केयर, लव यू गाइज एंड बाय भी साथ में ही था। सो चलो फिर मिलते। स्पेस இல்லாம இருக்கனால அப்படியேமா சப் ஃப்ரூட் அண்ட் கைரி वगैरह बहुत कुछ खाने के लिए। पापा सेम पामन तरह से गोरेगांव ईस्ट गोरेगांव देखेंगे जी बनगा गोरेगांव मुंबई असला और का இல்ல இல்ல ஃபுல்லா गोरेगांव னு வரோம் இது गोरेगांव करना இது गोरेगांव மட்டும் வரோம் गोरेगांव गोरेगांव ஏஎன் வரதா ஏஎன் வரதா